दोस्तों, आपने इतिहास में दी जाने वाली सजाओं के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें उन्हें या तो उल्टा लटका कर काट दिया जाता था या फिर उन्हें एक कमरे में बंद करके चूहों से कटवाया जाता था। इसके अलावा बिजली के झटके देकर भी मारने का नियम कई सालों तक लोगों ने अपनाया। इसी तरह कई खतरनाक तरीकों को अपनाकर लोगों को उनकी गलतियों की सजा दी जाती थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सजा के बारे में बताने वाले हैं जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, इतिहास में एक सजा ऐसी भी है जो किसी का भी दिल दहला सकती है। नाम है ब्रेजन बुल, जिसे ब्रोंज बुल भी कहा जाता है। इस सजा में क्रूस शासक द्वारा पीतल के बने हुए बुल में किसी व्यक्ति को रखकर उसे तपती आग में रख दिया जाता है और उसे तब तक भुना जाता है जब तक उसकी चिल्लाते हुए जान न निकल जाए। इस बुल को इस तरह से तैयार किया गया था जिसमें अंदर व्यक्ति कितना भी चिल्लाए लेकिन बाहर मधुर संगीत ही सुनाई देता था। इसके बारे में इतिहास और एडोरस सिकुलस की एक बुक में भी लिखा गया है। जिस राजा के लिए यह बनाया गया था उसका नाम था फेलेरिस, जो अपने राज्य के अंदर गलती करने वाले व्यक्ति को ऐसी सजा देना चाहता था जिससे हर कोई सहम उठे। इसलिए उन्होंने इस बुल को तैयार किया। लेकिन क्या आप जानते हैं ब्राजेन बुल में सबसे पहले सजा किसको दी गई थी? दोस्तों, ब्राजेन बुल की सजा उस खोजकर्ता को ही दी गई थी जिसने इसको बनाया था। मतलब जिस इंसान ने ब्राजेन बुल को बनाया था उसी को सबसे पहले उसमें सजा दी गई थी। राजा को यह देखना था कि इसमें व्यक्ति को सजा देते समय सच में मधुर संगीत सुनाई देता है या नहीं, और बुल की नाक से निकलने वाले धुएं से खुशबू आती है या नहीं। यह बात चौंका देने वाली थी, पर जब वह राजा राजगद्दी पर से उतरा तब उसको भी उस बुल के अंदर बंद कर दिया गया और उसे भी वही सजा दी गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।